आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन ये जे मेन्स के 16 मार्च 2021 के फिफ्थ सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कर रहा है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर बी सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है और ये जो है ना अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर दे रखा है और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अपने क्या कह रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है। वेयर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, अपने एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से अपने क्या करा है कि बॉक्स एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स के बराबर, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहां पर चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए एफ ऑफ जीरो क्वेश्चन में, जब ये कंटिन्यूअस है ये जो फंक्शन आपने कंटिन्यूअस दे रखा है, यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस के बराबर होनी चाहिए। कहां पर एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन है वो अपने क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए एफ ऑफ जीरो प्लस निकालते हैं, निकालिए एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस निकालिए, एफ ऑफ जीरो प्लस अपने किसके बराबर जाएंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे अपने ये फंक्शन किसके बराबर जाएंगे तो कॉस इनवर्स वन माइनस या गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, और इन टू में अपने क्या आ जाएंगे साइन इनवर्स वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इनका अपने के पास ये दे रखा ब्रैकेट क्लोज, और होल अपॉन में अपने क्या किसके बराबर है तो ये आ गया अपने क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, तो यहां पर आपने पहले से फॉर्मूला दे रखा फ्रैक्शनल पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या इससे रिप्लेस कर सकते हैं एक्स माइनस बॉक्स एक्स से, चलिए रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां से अपने क्या आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहां से जैसे अपने क्या फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्लेस करेंगे या अपने क्या कॉस इनवर्स वन माइनस या अपने क्या एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ठीक है, इन पूरे का होल स्क्वायर ये ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स और माइनस टाइम्स बॉक्स एक्स, हाँ या ना, और ये ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन में अपने कुछ नहीं करे फ्रैक्शनल पार्ट की जगह इसको रिप्लेस किया जा रहा है, और यहां से सॉल्व करिए, यहां से क्या कीजिए फ्रैक्शनल पार्ट की जगह अपने कॉमन ले लेते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसको क्या ले सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या फ्रैक्शनल पार्ट अगर कॉमन लेते हैं तो ये अपने किस आ जाएगा वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इनका होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या ऐसा, तो चलिए फ्रैक्शनल पार्ट की जगह वन माइनस एक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकते हैं, और इनटू में अपने किसके बराबर आ जाएंगे बताइए, इनटू में वन माइनस एक्स और माइनस टेंस फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बॉक्स एक्स और इन पूरे का होल स्क्वायर आ जाएंगे, हाँ या ना, ये अपने कोई दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अपन क्या किया सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के लिए सॉल्व किए, जब बॉक्स के लिए सॉल्व किया तो ये अपने इसके बराबर आ गया। अब क्या कीजिए जीरो प्लस पे ये जो फंक्शन है ना यहां से अगर आप लिखना चाहते हो तो एफ ऑफ एक्स ही लिख दीजिए, ये जो है ना जीरो प्लस लिखना चलिए बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अभी बताएंगे कि हम क्या बोले हैं। ठीक है, जीरो प्लस, जीरो प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ये अपने क्या जीरो के बराबर होते हैं, हाँ या ना, जीरो प्लस पे ये जो फ्रैक्शन ये बॉक्स अपने क्या किसके बराबर बॉक्स जीरो प्लस मतलब जीरो के बराबर, क्या गया कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स के बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इंटू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, जीरो प्लस का जो बॉक्स होता है ना वो अपने जीरो के बराबर होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब आ जानी चाहिए, क्या गया अपने किसके बराबर एक्स, जीरो प्लस एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो ये जीरो प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये अपने इसके बराबर आ गया। अब क्या कीजिए इस सारे में वैल्यू डाल दीजिए क्योंकि पूरे क्वेश्चंस क्या बनेगा पूरे जो फंक्शन है उसके मल्टीपल में, और ये अपने के पास जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहे, जब बना ही नहीं रहे तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे इसमें जैसे ही जीरो डालेंगे तो साइन इनवर्स वन पाई बाय टू के बराबर और ये वन के बराबर, यानी पाई बाय टू अपने के पास ये बाहर आ जाएगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस के बराबर, इसमें वन डाल जीरो डालेंगे तो ये अपने के पास वन के बराबर हो जाएंगे, तो यहां से अपने के पास आ जाएंगे कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे तो बताइए होल अपॉन में अपने के पास एक्स के बराबर। अब जैसे इसमें जीरो डालेंगे तो कॉस इनवर्स वन जीरो के बराबर, जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, लगाइए पाई बाय टू इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस या अपने के पास जीरो प्लस के बराबर, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो अपने के पास माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, चलिए सॉल्व कीजिए तो माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना, और इन टू इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो माइनस टू एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपने के पास एक्स के बराबर होते हैं, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन अपने के पास वन के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए तो यहां से अपने के पास ये पाई बाय
टू आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये आ गया अपने पास माइनस और ये माइनस प्लस, तो डिनोमिनेटर में टू एक्स आ गया। डिनोमिनेटर अभी जीरो मत पूछिए, अभी जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट ही बन रहा है, यहां से डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या जाएंगे, वन माइनस क्या गया अपने पास वन माइनस, तो ये आ गया अपने पास वन और प्लस टाइम्स एक्स की पावर फोर, और यह आ गया माइनस टाइम्स टू एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, इसको अपने पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो यह आ गया अपने पास पाई बाय टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, थोड़े से दिक्कतें आएंगे सॉल्व करने में, टू एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आ गया वन माइनस एक्स की पावर फोर और प्लस टू एक्स स्क्वायर के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ या ना, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, माइनस अंदर मिल गया प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप अलग कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास नॉमिनेटर में टू एक्स, डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन लेंगे तो अपने पास एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा टू माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया। अब अपने पास क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट, तुम जाओ और तुम, ये कैंसिल आउट हो गया। जैसे जीरो पुट करेंगे अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो बताइए, तो ये आ गया पाई बाय टू और इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये आ गया टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन टू माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जीरो पुट कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया पाई बाय टू इंटू लिमिट, लिमिट अपने पास डायरेक्ट पुट कीजिए ना, अब पाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू अपॉन रूट टू के बराबर है, टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो प्लस किसके बराबर हो जाएंगे तो पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू के बराबर, एफ ऑफ जीरो प्लस आ गया। अब एफ ऑफ जीरो माइनस निकालिए, बताइए जीरो माइनस किसके बराबर है। ये जो फंक्शन है ना, इस बार जो फंक्शन है फंक्शन में चेंज कर लीजिए, फंक्शन में चेंज क्या करना है, इसको एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये आपने कैसे क्या किया, एफ ऑफ एक्स इसको इसलिए माने क्योंकि एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह यही तो लिखे हैं। ये आपने कैसे किसके बराबर जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को आपने कैसे बॉक्स से चेंज कर दिया तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया। अब आपने कैसे क्या कीजिए, जीरो माइनस निकालिए, तो एफ ऑफ जीरो माइनस बताइए, एफ ऑफ जीरो माइनस, जीरो माइनस आपने कैसे किसके बराबर जाएगा तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं पहले कॉस इनवर्स है, क्या अपने कैसे कॉस इनवर्स, यहाँ से अपने कैसे जीरो माइनस जैसे ही डालेंगे इसमें तो ये अपने कैसे इसमें जीरो माइनस डालिए, यानी तो पूरा लिख ही देते उसके बाद डालते हैं, वन माइनस क्या क्या अपने कैसे किसके बराबर, वन माइनस एक्स माइनस बॉक्स एक्स इनका होल स्क्वायर और इंटू में अपने कैसे क्या आएगा साइन इनवर्स वन माइनस या क्या अपने कैसे एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये आ गया। हाँ या ना, और डिनोमिनेटर में अपने कैसे किसके बराबर आया था तो ये आ गया अपने कैसे एक्स माइनस बॉक्स एक्स ये पूरा और इनटू में आ गया अपने कैसे वन माइनस एक्स माइनस बॉक्स एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया था अपने कैसे डिनोमिनेटर में। देख लीजिए एफ ऑफ एक्स जिसको माने वो यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, देखिए वन माइनस एक्स माइनस बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर, ये फिर ब्रैकेट, ये अपने कैसे आ गया, ये पूरे अपने कैसे हम क्या किए इसको कॉपी करके एक तरीके से नीचे लिख दिए, यहाँ पर अपने कैसे लिख दिए। जब ये लिख दिए तो अपने कैसे एफ ऑफ जीरो माइनस बताइए, जीरो माइनस जैसे इसमें डालेंगे तो कॉस इनवर्स, कलर चेंज कर लीजिए, तो कॉस इनवर्स जीरो माइनस का बॉक्स अपने कैसे क्या माइनस वन के बराबर होता है, यानी वन माइनस एक्स माइनस वन इन पूरे का होल स्क्वायर। अब तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन के बराबर। हाँ या ना, बॉक्स एक्स का तो ये अपने कैसे प्लस होंगे ना, बॉक्स एक्स का ये अपने कैसे जीरो माइनस का जो बॉक्स होता है ना वो अपने कैसे माइनस वन होता है, तो बॉक्स एक्स की जगह अपने कैसे माइनस वन डालेंगे तो ये आ गया अपने कैसे प्लस वन के बराबर। सिमिलरली ये भी प्लस वन के बराबर। हाँ या ना, और होल अपन अपने कैसे क्या जाएंगे किसके बराबर, तो एक्स प्लस वन और इंटू में अपने कैसे आ जाएंगे वन माइनस एक्स प्लस वन के बराबर इनका होल स्क्वायर। अब अपने कैसे होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऊपर वाला तो था ही ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वन और प्लस टाइम्स टू एक्स के बराबर, ये आ गया। और साइन इनवर्स को माइनस एक्स लिख दे क्या, साइन इनवर्स ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और होल अपॉन में अपने कैसे किसके बराबर आ जाएंगे एक्स प्लस वन और इनटू में आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स टू एक्स और प्लस टाइम्स अपने कैसे किसके बराबर आ जाएंगे तो वन के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये ब्रैकेट क्लोज, अब कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स या क्या अपने कैसे वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वन माइनस टाइम्स टू एक्स और इनटू में अपने कैसे आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, ये आ गया। और यहाँ से अपने के पास ये आ जाएंगे एक्स प्लस वन के बराबर और इनटू में अपने कैसे किसके बराबर आ जाएंगे एक्स प्लस वन के बराबर ये हो जाएंगे, जैसे एक्स हो एक्स प्लस, सही है।
तो ये आ गया अपने पास कैलकुलेशन एरर होने के चांस 100% होते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो -2x -1 के बराबर। अब अपने पास ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी अपने पास कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास आया क्या, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -2x और इंटू में अपने पास साइन इनवर्स -x को क्या कीजिए, x लिख देते हैं माइनस बाहर कर देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x अपने पास क्या है ऑड फंक्शन, तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा x प्लस वन और इंटू में अपने पास क्या जाएंगे इसमें से क्या कीजिए, तो ये माइनस दोनों माइनस ही आ गए, क्या नोटिंग माइनस और ये भी माइनस हो जाएंगे तब, ठीक है दोनों माइनस, तो ये भी अपने पास यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, हाँ या ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया अपने पास -2x के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास 0 माइनस ये इसको अपने पास इसको इरेज कर दीजिए, ये आ गया अपने पास इसको यहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है 0 माइनस है तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स अपने पास ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर -2x के बराबर और ये आ गया अपने पास किसके बराबर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में भी अपने पास माइनस गैप हो जाता है, क्यों कॉस इनवर्स एक्स अपने पास क्या है ना ऑड फंक्शन ना इवन फंक्शन है, माइनस अपने पास बाहर निकालेंगे तो पाई बाय टू आएंगे, पाई आएंगे, चलिए खैर रहने दीजिए जब तक, अभी अंदर ही रहने दीजिए। और ये आ गया अपने किसके बराबर साइन इनवर्स एक्स के बराबर, डिनोमिनेटर से अपने क्या कीजिए एक्स प्लस वन ये आ गया और ये आ गया अपने इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, जैसे माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अपने किसके बराबर बच जाएंगे बताइए, माइनस एक्स कॉमन लिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, क्या गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर। अच्छा इसमें जीरो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कॉस जीरो अपने पास किसके बराबर होता है जीरो के बराबर, अच्छा कॉस जीरो अपने पास वन के बराबर होता है, इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसमें तो दिक्कत आएंगे नहीं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएंगे, तो यह गया अपने पास माइनस एक्स कॉमन लेंगे या गया अपने पास एक्स प्लस टू के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब अपने पास वैल्यू डालिए जिसको अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही तो अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है और ये अपने पास वन के बराबर होता था, हाँ या ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स अपने पास किसके बराबर था वन के बराबर। अब क्या कीजिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये आगे अपने पास किसके बराबर कॉस इनवर्स जीरो के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किसके आ जाएगा वन प्लस टू वन मल्टीप्लाइड बाय टू के बराबर, कॉस इनवर्स जीरो पाई बाय टू के बराबर होता है और ये आ गया टू के बराबर, ये आ गया अपने पास पाई बाय फोर के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो एफ ऑफ जीरो प्लस पाई बाय टू के बराबर आया था, एफ ऑफ जीरो माइनस अपने पास किसके बराबर आ गया एफ ऑफ जीरो माइनस पाई बाय फोर के बराबर और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा के बराबर। ऊपर से देख लीजिए ये अपने पास तीनों आपस में कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं बराबर हो सकते, पाई बाय टू और पाई बाय फोर तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, यानी अल्फा के अपने पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एफ ऑफ जीरो प्लस अच्छा पाई बाय रूट टू आया था नॉट पाई बाय टू, तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ जीरो प्लस पाई बाय रूट टू आया था और ये पाई बाय फोर ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, जब ये बराबर हो ही नहीं सकते तो अल्फा के अपने पास कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू नहीं आ सकते। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन देख लीजिए कितना लंबा क्वेश्चन हो गया, ज्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है तो यहाँ पर देखिए अल्फा का अपने पास दो अलग अलग वैल्यू दे रखा है, देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल टू जीरो दे रखा है, पाई फोर जो आया है वो भी दे रखा है, जो कि अपने पास पॉसिबल है ही नहीं, कोई आगे एल एच एल निकालता आर एच एल निकालता उसका काम बन जाता, ऐसा नहीं है, अपने पास नो एग्जिस्ट नो सच अल्फा एग्जिस्ट, कोई भी अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी अपने ये जो फंक्शन है कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं, ये जो फंक्शन है हमेशा क्या आ जाएंगे डिसकंटिन्यूस, ये फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकते हैं, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है अलग बात है कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकते, यानी अल्फा का कभी वैल्यू आ ही नहीं सकता, जब आ ही नहीं सकता तो ये अपने पास डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। और ये थे अपने पास 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट मॉडुलस और अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाउट है तो हम पूरे अच्छे से बताने की कोशिश किए, अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे देखने और चैट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।